Good evening and welcome everyone. I'm Jatin Verma. So guys, we are going to do the analysis of the most important news articles for 7th of March 2020. So let me take you directly to the daily news analysis today. These are the important news articles of the day. Supreme Court upholds 2018 order on land acquisition. So aaj ki sabse important news ye hai. Do contradictory judgments thi Supreme Court ki, unhe samjhenge ki land acquisition law mein aisa kya tha jiske chalte सुप्रीम कोर्ट के 2014 के बेंच ने कुछ और कहा था और 2018 के बेंच ने 2018 बेंच ने कुछ और कहा था. सेंटर कैन नॉट ब्रांड ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल. तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत सेंटर किसी भी गवर्नमेंट को ये नहीं कह सकता कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है एंड हेंस इट कैन नॉट रिसीव द फॉरेन फंडिंग. पीपल विद HIV प्लान टू मीट प्राइम मिनिस्टर. ऐसे टाइम पे जब प्राइम मिनिस्टर ने कोरोना वायरस के चलते बाहर आना जाना कम कर दिया है, HIV विक्टिम्स का ये कहना है कि ये प्राइम मिनिस्टर से मिलने जाना चाहते हैं, मिलने की उम्मीद कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट स्टेज ऑर्डर ऑन केरला पोल रोल्स. केरला पोल्स में केरला इलेक्शंस के जो इलेक्टोरल रोल्स प्रिपेयर करे गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ऑर्डर जो है लिफ्ट कर दिया है. नाउ इंडिया जॉइंस इंडियन ओशन कमिश्नर. Indian Ocean Commission as an observer country. India joins Indian Ocean Commission. So as an observer. So we'll see this news also in detail. As a part of RBI bailout, SBI to pick up 49% in Yes Bank. SBI क्या है? एक वैसे largest bank है, तो इसीलिए SBI को ये कहा जा रहा है कि Yes Bank में, जो कि Yes Bank no bank हो चुका है, Yes Bank has been placed under moratorium. तो in that light, जस्ट वन मिनट गाइज, कीपिंग अ टैब ऑन योर कॉमेंट्स हियर. तो इस वजह से SBI को ये कहा जा रहा है कि यू हैव टू बेल आउट दिस बैंक. तो इस न्यूज को भी स्टडी करेंगे. 30 days इज आउटर लिमिट फॉर येस बैंक रेजोल्यूशन, सेज RBI गवर्नर. हैव इनफ फॉरेक्स रिजर्व्स. वी हैव गॉट इनफ ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स, सेज शशि कांता दास, द गवर्नर ऑफ RBI. नाउ वन बाय वन. टुडे आई कुड नॉट डू द DNA इन मॉर्निंग बिकॉज इट वॉज सैटरडे. तो accommodate on Saturdays if I am not able to do DNA in the morning. Now coming here, ye aaj ke editorials. This editorial, Yes Bank's troubles are not exactly new or unique, and its problems with mounting bad and dodgy loans, they reflect that the underlying problems were in the borrowing industry. Yes Bank की जो problems हैं वो ये दर्शाती हैं कि जो underlying problems हैं in the borrowing industries, वो problem का एक mere reflection है, ranging from real estate to power, electricity, power sector, distribution companies में जो non-performing assets हैं, real estate sector के जो non-performing assets हैं, और non-banking financial companies की liquidity crunch के चलते जो momentary non-performing assets हैं, उन सब की तरफ इशारा करता है येस बैंक का ये ट्रबलसम फेज. येस बैंक विच इज येट टू रिपोर्ट थर्ड क्वार्टर फिनेंशियल्स सफर्ड अ ड्रामेटिक डबलिंग इन द ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ओवर अप्रैल टू सितंबर 6 month पीरियड टू रुपीज 17,000 करोड़. यानी कि अप्रैल से सितंबर के पीरियड के अराउंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में जब इतनी इंक्रीज हो रही थी, तो हिंदू के एडिटर ये कहते हैं कि क्या उस टाइम RBI सो रहा था. दिस कुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी, द फेलियर ऑफ येस बैंक कुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द RBI टू रिव्यू इट्स प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन गाइडलाइंस एंड रिवाइज देम टू एंश्योर दैट सच आर स्लिपिंग अंडर द रडार. RBI के रडार में होने के बावजूद ऐसी स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए थी. प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, द फैक्ट दैट लेंडर the Yes Bank ended up at the resolution stage. Seedha hi resolution stage mein kaise aa gaya Yes Bank? Kya RBI so raha tha without ever being placed under the central bank's prompt corrective action? We were hearing a lot about prompt corrective action. To kya ye Shashi Kanta Das ki galti nahi hai? Kya ye baat is baat ki taraf sawal nahi uthati? Kya ye cheez iski taraf ishara nahi karti ki गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेट्स दे आर नॉट दैट एडेप्ट, दे आर नॉट दैट एफिशिएंट इनफ टू
शशि कांता दास जो गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट है उनको लगाया गया कि क्या ब्यूरोक्रेट्स एडेप्ट इनफ हैं, एक्सपर्टीज है उर्जित पटेल या फिर आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल की अगुवाई में ये बनाया गया था। तो क्या गवर्नर्स को आईएएस ऑफिसर्स आर दे जस्ट बिकॉज देवर दी फिनेंशियल सेक्रेटरी फिनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं, क्या वो वाकई ही यू नो इज ही एडेप्ट इनफ, इज ही एक्सपर्ट इनफ टू मैनेज आरबीआई गवर्नर, टू मैनेज एज एन आरबीआई गवर्नर, या सिर्फ इसलिए कि वो गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट हैं, गवर्नमेंट को खुश किया है तो अब गवर्नमेंट उन्हें खुश करना चाहती है। पहले भी ऐसे देखा गया है कि आरबीआई की नाकामी मानी गई है इतने सारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का होना पास्ट में भी, क्लियर। सो ये सब चीजें हैं। नाउ कमिंग हियर, आरबीआई को अपना प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन या जो रडार है, विजिलेंस रडार है कि कौन 1500 करोड़ का, आई रिमेम्बर इन द मंथ ऑफ जून 2019 करोड़ का लॉस जो है 1500 करोड़ का लॉस पोस्ट किया गया था, राइट। तो वो 1500 करोड़ का लॉस जो पोस्ट किया गया था उस टाइम, क्या आरबीआई को ये अर्ली वार्निंग सिग्नल्स नहीं दिखाई दे रहे थे जिसकी वजह से प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन बनाया गया है, क्लियर। नाउ डबल एजेड स्वॉर्ड, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन एज डिसप्रोपोर्शनेट अ 2018 सर्कुलर बाय आरबीआई, दैट आरबीआई सर्कुलर directed the entities not to provide services to those trading in virtual currencies. Entities को ये कहा गया था, जो entities virtual currencies में deal कर रही हैं उनको ये कहा गया था कि ये services virtual currency में जो trade कर रहे हैं crypto currencies जैसे कि bitcoin etc. में उनको allow ना किया जाए। After a decade or so of deployment and use, एक दशक से ज़्यादा 10 years से ज़्यादा हो चुके हैं, pros and cons of cryptocurrencies are now well known. The primary misgiving, अब सबसे बड़ी misgiving क्या है क्रिप्टो करेंसीज के अराउंड, ये है कि Bitcoin has remained the highly speculative nature of assessing their value. Bitcoin has remained the highly speculative nature of assessing their value. Cryptocurrencies have now been adopted by international trading firms for use in lending, raising funds for other cryptocurrencies besides facilitating easier cross-border payments. And the 2019 bill even proposes the creation of digital rupee, as official currency. It is now imperative on authorities to find the right regulatory balance on cryptocurrencies. Supreme Court ने इस judgment को देते हुए, Supreme Court ने RBI का ये ban cryptocurrencies में deal करने वालों से lift up कर दिया. Supreme Court ने वो ban जो है हटा दिया है. जब ban, while removing the ban, Supreme Court was quite clear. कि एक कमेटी ये कह रही है कि क्रिप्टो करेंसीज को अलाउ करना चाहिए, दूसरी कमेटी ये कह रही है गवर्नमेंट की क्रिप्टो करेंसीज को अलाउ नहीं करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि दो कमेटीज एक ही सब्जेक्ट पे पोलर ओपोजिट अपनी जो है रिकमेंडेशंस दे रही हैं। तो अब ये भी इसमें आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज जी का भी जिक्र किया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस ऑर्डर में, और राइटर ने भी उसको यहाँ पे रेफरेंस में दिया है, तो उसको भी स्टडी करते हैं एक बार, जस्ट वन मिनट। यहाँ पे आप पढ़ेंगे एनश्राइंड इन आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी, पेटिशनर्स ने ये क्लेम किया था सुप्रीम कोर्ट में ऑन द फ्लेजलिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस इंडस्ट्री इन इंडिया एंड वेंट अगेंस्ट द एंटरप्रेन्योरियल राइट टू ऑपरेट अ बिजनेस enshrined under article 19 clause 1 sub clause g. हमारा article 19 clause 1 sub clause g petition जिन्होंने supreme court में file किया था, तो उन्होंने ये कहा कि आप फटाफट से इसको ये right to do business and profession के तहत इसको allow किया जाना चाहिए, right to do business में cryptocurrencies को recognize किया जाना चाहिए. The court conceded this limited point saying that the RBI has not come out with a stand that any of the entities regulated by it have suffered any loss because of cryptocurrencies on the account of cryptocurrency exchanges, and this provides relief to the firms dealing in the virtual exchanges. So virtual exchanges ko isliye allow kar diya gaya ki kisi ko nuksan to hua nahi hai, sirf aapke फ्लिमजी ग्राउंड्स पे आशंका के चलते क्रिप्टो करेंसीज को आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी
राइट ऑफ अ पर्सन टू डू द बिजनेस का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे अलाउ किया था. क्रिप्टो करेंसीज हैव नाउ बीन अडॉप्टेड बाय इंटरनेशनल ट्रेडिंग फर्म्स फॉर यूज इन लेंडिंग रेजिंग फंड्स फॉर अदर क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स बिसाइड्स फैसिलिटेटिंग ईजियर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स. इट इज फॉर दीज यूटिलिटीज दैट द इंडियन गवर्नमेंट शुड एयर ऑन द साइड ऑफ ज्यूरिसडिक्शन सच एज यूरोपियन यूनियन. इट इज ऑन दीज एंटिटी इन एंटिटीज को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार को अगर गलती करनी भी है तो यूरोपियन यूनियन की तरह गलती करे. विच हैव यूरोपियन यूनियन कंट्रीज हैव नॉट आउट राइटली बैंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड दे हैव रादर सॉट टू रेगुलेट इट्स फंक्शनिंग. और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर किसी और परिपक्ष में भी अगर हम एक और एंगल से देखें तब भी सही है कि भाई जब रैम्पेंटली चीज कोई चल रही है उसको रेगुलेट आप कर नहीं पा रहे, ना हाँ बोल रहे हो ना बोल रहे हो, इससे बेटर तो ये है कि उसको अलाउ कर दो, लेजिटिमाइज कर दो और फिर रेगुलेट कर लेना, वो ज़्यादा बेटर होगा रादर देन आउटराइटली रिजेक्टिंग समथिंग, इजंट इट. तो पहले गोल्ड स्मगलिंग जब इंडिया में होती थी, अगर हम एक एग्जाम्पल लें, गोल्ड स्मगलिंग को हम पूरी तरह रोक तो सकते नहीं. अगर 30% आप कस्टम्स ड्यूटी लगा दोगे गोल्ड पे तो ऐसा थोड़ी है कि गोल्ड आएगा नहीं. गोल्ड तो फिर भी स्मगलर्स, अमरीश पुरी की मूवीज में हम देखते हैं कि फिर भी आता था सोना. तो इससे बेटर तो ये है कि हम उसको रेगुलेट कर लें 10% कस्टम्स ड्यूटी करके, जो चीज़ को आप रेगुलेट नहीं कर पाते. तो क्रिप्टो करेंसीज का एक वैलिड केस था और सुप्रीम कोर्ट ने राइटफुली इसे अलाउ कर दिया है. मेकिंग द एनवायरनमेंट कंड्यूसिव फॉर जस्टिस इन रॉयड सिचुएशन रिक्वायरिंग अर्जेंट एक्शन प्रोएक्टिव इंटरवेंशन बाय द जुडिशरी कैन प्रिवेंट अ स्लाइड इनटू केओस. अगर जुडिशरी प्रोएक्टिव हो रॉयटर्स सिचुएशंस में तो सिचुएशन बद से बदतर होने से रोकी जा सकती है. राइटर इन ब्रीफ में अगर हम समझें इसको क्विकली, इन ब्रीफ द ब्यूरोक्रेटिक इनएबिलिटी ऑफ द अथॉरिटीज, पुलिस अथॉरिटीज और एडमिनिस्ट्रेशन इन दिल्ली, सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली को रूल करती है, आप ये समझते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के दायरे में आता है न्यू दिल्ली एक वे से, पुलिस अथॉरिटीज एक्सेट्रा, विच वॉज नॉट ओवर इन अ डे बट वेंट ऑन फॉर 3 days, राइट. अथॉरिटीज कपल्ड विद द अथॉरिटेरियन इनएबिलिटी लेड टू ब्लड बाथ इन दिल्ली. अंडर अ लॉ एनेक्टेड बाय पार्लियामेंट दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑट टू हैव स्वंग इन टू एक्शन टू असिस्ट द विक्टिम्स, बट ऐसा कुछ नहीं किया गया. इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट्स, भड़काऊ बयानबाजी, इंड्यूस्ड द स्लोगनियरिंग एंड इंड्यूस्ड स्लोगनियरिंग बाय द पावरफुल इन दिल्ली, विच मे और मे नॉट बी सेडिशियस बट कैन सर्टेनली बी कैटेगराइज्ड एज हेट स्पीच. देशद्रोह के दायरे में नहीं आएगी, राइटर ये कह रहे हैं. जो बयानबाजी की गई दिल्ली में वो भले ही सेक्शन 124A IPC हेट स्पीच सेडिशन में नहीं आता, लेकिन वो हेट स्पीच के दायरे में तो आता है. Are left untouched. In such situations requiring urgent action, judiciary cannot be expected to grant adjournments on the asking and for what it believes is an environment that is not conducive. Now coming here, Supreme Court upholds 2018 order on land acquisition. दो सेपरेट बेंचेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने एक पोलर ऑपोजिट जजमेंट दिया सेम मुद्दे पे. अब इसे समझते हैं, मैटर सेम था. यहाँ पे समझिएगा, थोड़ा अलर्ट हो जाइएगा गाइस, वन बाय वन दो जजमेंट को हम समझेंगे. एक जजमेंट में 2014 में ये कहा गया कि जो लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट है, अगर अथॉरिटीज ने लैंड एक्वायर करते टाइम, मान लो कि मैं फार्मर हूँ, अगर मेरी लैंड एक्वायर करते टाइम मेरे को जो कॉम्पेंसेशन दिया है अगर वो कोर्ट में जमा नहीं किया गया तो ये माना जाएगा कि लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन रीसेटलमेंट एक्ट 2013 का जो है उससे 5 साल पहले, यानी कि 1 जनवरी 2014 से 1 जनवरी 2014 से 5 years पहले जो लैंड एक्वायर करी गई है उस लैंड के लिए यदि कॉम्पेंसेशन कोर्ट ट्रेजरी में जमा नहीं किया गया, सरकार की ट्रेजरी में नहीं, या तो वो मुझे मिले बतौर फार्मर या वो मेरे जिस कोर्ट में मैंने केस फाइल किया उस कोर्ट के खजाने में वो पैसा जमा हो, तभी वो माना जाएगा कि मुआवजा दे दिया गया. और 2013 का एक्ट ये कहता है कि अगर टाइम बाउंड मैनर में 1 जनवरी 2014 से 5 years पहले एक्वायर की गई लैंड पे लैंड एक्विजिशन एक्ट तभी अप्लाई नहीं होगा, 2014 का एक्ट भी अप्लाई नहीं होगा अगर आपने कॉम्पेंसेशन पहले पे कर दिया है. अगर आपने कॉम्पेंसेशन बाद में पे किया है तो
So I hope it will work fine now. I'm repeating the same thing. Supreme Court upholds 2018 order on land acquisition. Acquisition not to lapse if the relief paid to Treasury, Supreme Court. अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 2013 की लॉ में सेक्शन 24, 2013 लैंड एक्विजिशन एक्ट सेक्शन 24 सेड दैट इफ द लैंड वाज एक्वायर्ड बिफोर 1 जनवरी 2014, इफ द लैंड वाज एक्वायर्ड बिफोर 5 ईयर्स बिफोर 1 जनवरी 2014 एंड इफ द कॉम्पेंसेशन हैज स्टिल नॉट बीन पेड देन द लैंड विड बी एज्यूम्ड एज हैविंग नॉट बीन एक्वायर्ड. आपने लैंड एक्वायर, गवर्नमेंट ने लैंड एक्वायर कर ली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने और 5 साल हो गए, 2014 से 5 साल पहले एक्वायर की गई लैंड का कॉम्पेंसेशन अगर कोर्ट में या जिसकी लैंड एक्वायर करी गई है उसके अकाउंट में अगर डिपॉजिट नहीं हुआ देन इट विल बी एज्यूम्ड दैट लैंड वॉज नॉट एक्वायर्ड एट ऑल. अब 2014 की जजमेंट में यह कहा गया लेकिन 2018 की जजमेंट में जस्टिस मिश्रा जो कि रिक्यूजल का भी इनके अगेंस्ट मैटर चला था कि जज ने रिक्यूज करना चाहिए इन्हें, इन्होंने ही 2018 में एक जजमेंट दिया फरवरी 2018 में जो कि 2014 की जजमेंट के ओपोजिट था. 2014 की जजमेंट में ये कहा गया कि अगर पैसा कोर्ट की ट्रेजरी में जमा नहीं करवाया गया तो वो लैंड को ये माना जाएगा कि आपने लैंड एक्वायर ही नहीं करी, आपको 2013 के नए एक्ट के तहत लैंड एक्वायर करनी जरूरी है सरकार को. 2014 में ये कहा गया कि कोर्ट में पैसे जमा करने होंगे. 2018 में सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट ने ये कहा, जजमेंट में जज ने ये कहा, बेंच लेड बाय जस्टिस मिश्रा सेड कि अगर पैसे ट्रेजरी में, सरकार ने पैसे सरकार की ही ट्रेजरी में जमा कर दिए लैंड एक्वायर करने के लिए तो भी ये माना गया, माना जाएगा कि कॉम्पेंसेशन दी गई है. अब ये तो कॉन्ट्रोवर्शियल है कि सरकार ने ही पैसे देने हैं और सरकार के ही खजाने में अगर जमा करवा दिए गए कि ये लैंड एक्विजिशन के पैसे हैं लेकिन उन पैसों को बेनिफिशरी को नहीं दिया गया, 5 साल से भी ज़्यादा हो गए लैंड एक्वायर किए को, तो भी वो माना जाएगा कि कॉम्पेंसेशन वॉज पेड. एम आई क्लियर? 2014 में ये कहा गया कि एटलीस्ट कोर्ट की ट्रेजरी में तो जमा करो, कोर्ट के खजाने में जमा करो. 2018 की जजमेंट में ये कहा गया कि कोई बात नहीं, अगर कोर्ट के खजाने में ना सही, सरकार ने अपने ही खजाने में पैसे जमा कर लिए तो भी ठीक है, एटलीस्ट अपोर्शन तो करे, राइट. अब इसकी हुआ क्या था कि हरक चंद सोलंकी केस में, हरक चंद 2014 के सोलंकी केस में, उस केस में कोर्ट ने ये कहा कि इफ़ द मनी वॉज नॉट डिपॉजिटेड इन द कोर्ट, इफ़ द मनी वॉज नीदर पेड टू द लैंड ओनर्स और इट वॉज नीदर पेड टू द लैंड ओनर्स नॉर वॉज इट डिपॉजिटेड इन द कोर्ट देन दिस मैटर वुड बी टेकन एज इफ द लैंड हैज नॉट बीन एक्वायर्ड एट ऑल. ठीक है, अब ये 2014 की जजमेंट के बाद दिस बिकेम अ जुडिशियल प्रिंसिपल फॉर द सब्सिक्वेंट केसेज टू बी डिसाइडेड. लेकिन 2018 में ये कह दिया गया कि कोई बात नहीं, अगर आपने लैंड एक्वायर करी है और कोर्ट की ट्रेजरी में नहीं तो ना सही, लेकिन अगर पैसे जो हैं गवर्नमेंट की ट्रेजरी में ही आपने जमा करवा दिए गवर्नमेंट ने तो भी ठीक है. अब इस वजह से क्या हुआ कि 2014 से 2017 के जो सारे केसेस डिसाइड किए गए वो सब केसेस चैलेंज होने लगे सुप्रीम कोर्ट में, जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि कोर्ट में पैसे जमा कराना जरूरी माना जाएगा लैंड एक्वायर करवाने के लिए. Clear guys, everyone? Now, February 18, the majority of the Supreme Court judges on the bench ruled that acquisition would not lapse merely because the compensation amount was not deposited in the court, but instead it was deposited in the treasury. ये अच्छी चीज़ है, सरकार अपनी ट्रेजरी में अपने ही पैसे डाल दे, बोले कि ये जमींदारों के पैसे हैं जिनकी ज़मीन ली गई है और 5 साल तक भी ना दे तो भी उस लैंड एक्विजिशन को वैलिड माना जाएगा. तो फिर वो किसान क्या करेगा, चाय थोड़ी बेचेगा, मूंगफली थोड़ी बेचेगा ट्रेन में जाके जिसके पैसे रोक लिए आपने, ना ही वो ऑस्ट्रेलिया जाएगा डिग्री करने, है ना, ना ही वो कोई और लैंड एक्वायर कर सकता है. सम प्रोविजंस एंड ऑर्डर्स दैट अलाउड दिस प्रैक्टिस वर नॉट प्लेस्ड बिफोर दैट बेंच. फर्दर द लैंड एक्विजिशन इन दैट पर्टिकुलर केस हैड बीन कॉज्ड बाय अ हाई कोर्ट इन 2008. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. सेंटर कैनॉट ब्रांड ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल. सुप्रीम कोर्ट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पॉलिटिकल आप डिक्लेयर करके उसको पॉलिटिकल फंडिंग लेने से मना नहीं कर सकते. ओके,
क्लियर. अब सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ब्रांड एन ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल एंड डिप्राइव इट ऑफ इट्स राइट टू रिसीव फॉरेन फंड्स. अब पहले बेसिक समझ लेते हैं. फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट सेज दैट इफ एन एंटिटी इज लेबल्ड एज फॉरेन एंटिटी, अगर किसी एंटिटी को फॉरेन एंटिटी डिक्लेयर कर दिया गया तो वो एंटिटी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत पैसे नहीं ले सकती अनटिल एंड अनलेस फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन को रिसीव करने के लिए उस एनजीओ ने एक सेपरेट अकाउंट नहीं खुलवाया. या तो आप सेपरेट अकाउंट खुलवाओ, है ना, अकाउंट खुलवाओ और सरकार को पूरा ब्यौरा दो कि आपने कितने पैसे इसमें आपने रिसीव करे हैं, ताकि क्योंकि क्या हुआ था कि 2014 की रिपोर्ट के तहत, 2014 की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग कुछ एनजीओज, उसके अकॉर्डिंग कुछ एनजीओज क्या कर रही थी, उसके अकॉर्डिंग कुछ एनजीओज पैसा ले रही थी, जैसे कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक्सेट्रा, देवर रिसीविंग मनी बट देवर नॉट, देवर इंडल्जिंग इन एंटी नेशनल एक्टिविटीज, जैसे कि कुडानकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट को रोकना. मतलब समझ में आया, कुडानकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट को रोकना. क्लियर? कुडानकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट को रोकना, ताकि इंडिया में, इंडिया वॉज कंसिडर टू बी अ सॉफ्ट पावर. अब सॉफ्ट पावर है तो उनका जो प्रगति काम चल रहा है, डेवलपमेंट का काम चल रहा है, उसमें खलल पैदा करने के लिए, उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए यूएसए की कुछ एनजीओज को इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट में दोषी पाया गया था. इंटेलिजेंस ब्यूरो रिपोर्ट हैड एक्यूज्ड सर्टेन एनजीओज लाइक एमनेस्टी इंटरनेशनल, ग्रीन पीस इंटरनेशनल ऑफ थ्वार्टिंग spoiling India's growth story by foisting the protests near around Kudankulam nuclear power reactor, right? So any organization which supports the cause of a group or citizens for their agitation without a political goal or objective cannot be penalized by being declared as an organization of political nature. अब सरकार ने उसके बाद क्या किया, होम मिनिस्ट्री बहुत ज्यादा सख्त हो गई, होम मिनिस्ट्री बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो फॉरेन फंडिंग रिसीव करती है उसको फॉरेन एनजीओ डिक्लेयर कर दिया जाता है और उसको फंडिंग नहीं ली लेने दी जाती, राइट. उस वजह से ये दिक्कत हो रही है. बट दी फॉरेन फंडिंग पाइपलाइन कुड बी कट, फॉरेन फंडिंग कुड बी कट इफ एन ऑर्गेनाइजेशन टुक रिकोर्स टू दीज फॉर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट टू स्कोर पॉलिटिकल गोल. Any organization which supports the cause of a group of citizens agitating for their rights without a political goal or objective cannot be penalized by being declared as an organization of political nature. Now, coming here, Supreme Court struck a similar balance in the cases of organizations of farmers, workers, students, youth based on caste, community, religion, language, etc. Clear? It said their foreign funding could continue as long as the organizations worked for the social and political welfare of society and not to further political interests. However, the court wholeheartedly agreed that the organizations with avowed political objectives, agar koi organization apne memorandum of association mein, apne us paper pe jo apni usne kanoon banaya hai apna, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब बनती है तो अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाती है, अगर उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उन्होंने लिखा है कि दैट दे कैन नॉट बी परमिटेड टू एक्सेस टू द फंड्स, तो ये किया जा सकता है, तो उसको ये फॉरेन फंडिंग रिसीव करने से मना किया जा सकता है. फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010, इट रेगुलेट्स द फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन मनी डोनेशन एंड फॉरेन हॉस्पिटैलिटी. एग्जाम्पल, free airplane tickets and hotel lodging during videsh yatra given to various ngos and their functionaries, institutes, judges, etc. Purpose is to check that foreigners are not affecting India's electoral politics, public servants, judges, journalists, ngos, etc. for wrong purposes. According to this Foreign Contribution Regulation Act,
even the political parties were barred from receiving the funding from foreign based NGOs. हो सकता है कि फॉरेन की एनजीओ को पैसा जो है वहां के बिजनेस के लोग दे रहे हो, और फॉरेन की एनजीओ को अमेज़न यूएसए ने पैसे दिए और बोला कि आप इंडिया की इस एनजीओ को पैसा दो, और ये एनजीओ जो फॉरेन एनजीओ को बोला कि आप इंडिया में जाके काम करो और ये बोलो कि कंज्यूमर का फ़ायदा होगा अगर मल्टी ब्रांड रिटेल को प्रमोट करने दिया जाएगा अमेज़न को, तो ऐसे केस में क्या होगा, फॉरेन एनजीओ इंडिया में आके प्रोटेस्ट करने लगेगा और पॉलिटिशियंस के ऊपर प्रेशर डालेगा, और ये एनजीओ यदि पॉलिटिकल ग्रुप को फंडिंग देता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी को या कांग्रेस को फंडिंग देता है, तो दैट मींस फॉरेनर्स आर अफेक्टिंग इंडियाज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एंड पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस. एम आई क्लियर? इसीलिए मना किया जाता है इनको, फॉरेन फंडिंग रिसीव करने से मना किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज को. बट 2017 में एक बड़ा बदलाव लाया गया. हमारे देन फिनेंस मिनिस्टर, ऑनरेबल फिनेंस मिनिस्टर, फॉर्मर फिनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर अरुण जेटली हैड अमेंडेड दिस प्रोविजन दैट फॉरेन कंपनीज, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस कैन नाउ बी रिसीव्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज. अभी एक्ट में ये लिखा गया है कि ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग फॉर डेफिनेट कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल और रिलीजियस प्रोग्राम्स आर एलिजिबल फॉर फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस subject to permission from the Ministry of Home Affairs. Maintenance of a separate account book listing the maintenance of a separate account book listing the donation received from foreigners and get it audited by a chartered accountant and submit it to Home Ministry every year. The following organizations cannot accept foreign contributions: election candidates, MPs, MLAs, newspaper wala, even the correspondent, okay, columnist, cartoonist. अब अगर कार्टूनिस्ट को फॉरेन कंपनी पैसे देने लगेगी तो वो तो प्राइम मिनिस्टर को चाय वाला बना देगा, कुछ भी दिखाएगा, राइट? और अमित शाह को गलत पिक्चर में, कैरिकेचर में दिखाएगा, या फिर राहुल गांधी का मजाक उड़ाएगा. तो ये सब चीज़ें नहीं करने दी जाएं. एडिटर, ऑनर, एडिटर, अगर न्यूज़पेपर के एडिटर पैसे लिखेंगे तो वो अमेज़न ने अगर पैसे दिए हों फॉरेन कंपनी ने तो वो तो फेवर में लिखते जाएंगे, लेकिन फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ को पैसा लेने से, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन लेने से अलाउ, लेने के लिए अलाउ क्यों किया गया? Is it not an indication that business lobbying has been formally recognized in India? Lobbying hota hai ki kisi ko influence karna business purpose ke liye, positive policy leke aane ke liye. America mein business lobbying legal hai. American president can have lunch or dinner with or can roam around with the business persons. Amazon ke chief se mulaqat karte kyunki wahan pe gareeb log nahi hai. Lekin agar hamari country mein GM मस्टर्ड बनाने वाली या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाने वाली कंपनी के CEO अगर हमारे मिनिस्टर्स एनवायरनमेंट मिनिस्टर से मुलाकात करेंगे और उसके दो दिन के बाद जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड क्रॉप अप्रूव हो जाएगी, तो फिर हमें ये देखना चाहिए कि क्या पॉलिटिकल पार्टी के फंड में इस मॉन्सेंटो कंपनी या करगिल फूड्स ने, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाने वाली कंपनी ने क्या कोई डोनेशन दिया था. इसका मतलब तो ये हुआ ना कि पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीतने के लिए पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस, जो कि जनता ने चुना है सरकार को जनता के हित में फैसले लेने के लिए, लेकिन सरकार जो कि पॉलिटिकल पार्टी की है, जिस पॉलिटिकल पार्टी को मान लो 500 करोड़ रुपए दिए गए हैं, तो वो तो अप्रूव कर देगी. दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, इट हैज़ नॉट गॉट एनीथिंग टू डू विद एनीथिंग हैपनिंग इन दी न्यूज़ और इन दी गवर्नमेंटल अफेयर्स. एम आई क्लियर? तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं. ये 2010 से फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को, हमारा सवाल ये है, अलाउ क्यों किया गया? एज अ सिटीजन दिस इज माय क्वेश्चन एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड एज यूपीएससी एस्पिरेंट एज वेल. नाउ कमिंग हियर टू दिस पार्ट, पॉलिटिकल पार्टीज दे रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ आर एमपीज एंड एमएलएज. ऑनरेबल एमपीज, जिन लोगों को कम से कम 10 करोड़ लोगों को, एक एमपी को 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ लोग चुनते हैं. एमएलएज को कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम चुनते हैं, और ये लोग हमारी संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस में, पोजीशंस ऑफ पावर में बैठते हैं, राइट? पॉलिटिकल पार्टी जो इनके ऊपर इनका कंडक्ट रेगुलेट करती है, उसको रेगुलेट करने के लिए कोई लॉ नहीं है, और जो थोड़े बहुत लॉ हैं उनको भी आप प्रो बिजनेस बनाते जा रहे हो कि पॉलिटिकल पार्टीज फॉरेन कंपनी से फंडिंग रिसीव कर सकती हैं, तो ये तो गलत है ना, पेटेंटली दिस इज रॉन्ग.
फॉरेन कंपनी भाई वो ये थोड़ी कहेंगे कि हम यहाँ पे यूएसए का नेशनल इंटरेस्ट बनाने के लिए या अमेजन की सेल करवाने के लिए थोड़ी बैठे हैं, है ना। तो हमें हमारे एमपीज एंड एमएलएज हमारी पब्लिक के लिए हैं, तो फिर ये इनसे चंदा क्यों रिसीव करेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज, हमारे उस समय के फॉरेन फिनेंस मिनिस्टर ने ये कहा था कि अब जब सारी कंपनीज में 51% एफडीआई अलाउड है तो डोमेस्टिक कंपनीज तो कहीं रहेंगी ही नहीं। उन्होंने ये कहा कि चुनाव जो है ढोल नगाड़े बचा के नहीं जीता जा सकता, उसके लिए पैसा चाहिए, और उसके लिए जब सारी कंपनीज में 51% एफडीआई अलाउड है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि फॉरेन कंपनीज से पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा या ग्रांट्स लेने के लिए अलाउ करना होगा। क्या फंडिंग रिसीव करना इतना ज़रूरी है कि नेशनल इंटरेस्ट को भी ताक पे रखा जा सकता है? क्या गारंटी है कि कल को अमेजन ये नहीं कहेगा कि आप ये अलाउ कर दो और हमसे 10,000 करोड़ ले लो और हम आपको वोटिंग के टाइम पे और भी मदद कर देंगे? क्या गारंटी है कि कल को कोई फॉरेन टेलीविजन में आके ये नहीं कहेगा कि हम आपको टीवी एड्स में ज़्यादा दिखा देंगे बट आप हमें 26% जो एफडीआई अलाउड है उसको 51% कर दो? क्लियर। इवोल्यूशन ऑफ एफसीआरए, दिस यू विल हैव टू रीड योरसेल्फ। अ न्यू एक्ट कॉल्ड फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 केम अबाउट टू करेक्ट द शॉर्टफॉल्स इन द प्रीडिसेसर एक्ट ऑफ इन द प्रीवियस एक्ट ऑफ 1976। अब इसमें क्या क्या चीज़ें थी? ओरिजिनली 1976 का फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट वॉज इनएक्टेड इन 1976 बाय इंदिरा गांधी लेड गवर्नमेंट ड्यूरिंग एमरजेंसी। क्लियर। इट प्रोहिबिटेड इलेक्टोरल कैंडिडेट्स, पॉलिटिकल पार्टीज, जजेस, एमपीज एंड इवन कार्टूनिस्ट्स फ्रॉम एक्सेप्टिंग फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस। दस द इंटेंट सीम्स टू बी द कर्बिंग ऑफ पॉलिटिकल डिसेंट, लेकिन अब इसे अलाउ कर दिया गया है, राइट। लेटेस्ट डेवलपमेंट इन 2014, High Court directed Election Commission of India to take action against both Congress and BJP for violating Foreign Contribution Regulation Act. Delhi High Court की ये judgment थी, इसमें ये कहा गया कि multinational company Vedanta से, London based company, foreign company Vedanta से donations ली थी दोनों political parties ने। बावजूद इसके, despite the fact that Foreign Contribution Regulation Act explicitly states that political parties in India should not accept funding from political party from foreign companies, लेकिन 2016 के फाइनेंस एक्ट में गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने क्वाइटली इंट्रोड्यूस किया एक क्लॉज इन द फिनेंस बिल दैट अमेंडेड द रेलिवेंट सेक्शन ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, सो दैट वॉट वॉज हिथर्टो अ फॉरेन कंपनी विल नाउ बिकम एन इंडियन कंपनी, यानी कि फॉरेन कंपनीज को डोनेशन देने के लिए अलाउ कर दिया गया। अकॉर्डिंग टू UN स्पेशल रिपोर्टर, यूनाइटेड नेशन के एक दूत ने, जो फॉरेन ऑफिसर्स उनके रहते हैं, उन्होंने ये कहा कि राइट टू फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली एंड ऑफ एसोसिएशन पे कॉमेंट करते हुए ये कहा कि फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट प्रोविजन एंड रूल्स आर नॉट इन कन्फॉर्मिटी विद इंटरनेशनल लॉ प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स बिकॉज एक्सेस टू रिसोर्सेज पर्टिकुलरली फॉरेन फंडिंग इज अ पार्ट ऑफ द राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। ओके, तो इसलिए फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को अमेंड करने के लिए कहा जा रहा था कि पॉलिटिकल पार्टीज को फॉरेन फंडिंग रिसीव करने दिया जाए। यूनाइटेड नेशंस जो भी कहे, बट हमें यहाँ पे दिखता है कि अगर किसान ये कह रहा है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स उसे नहीं चाहिए, लेकिन अगर एक ग्लोबल मल्टीनेशनल कंपनी ये कह रही है कि इंडिया में आप ये क्रॉप्स को अलाउ करो, तो ये तो नुकसानदायी है हमारे फार्मर। पॉलिटिशियन को एमपी किसने बनाया? नोट और वोट दोनों चाहिए। नोट के लिए फॉरेन कंपनी को अलाउ कर दिया, वोट के लिए किसान को बोल दिया कि आपकी इनकम डबल होगी। फूड सिक्योरिटी के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जरूरी है, आई अग्री टू दैट, बट एवरीथिंग दैट फॉरेन कंपनीज दे से एंड एवरीथिंग दैट दे वांट टू सेल टू अस इज नॉट जरूरी। अब मान लो कि कल को टाटा जैगुआर लैंड रोवर बेचना चाहेंगे इंडिया में, तो इंडिया की सड़कें, हवाई जहाज क्या कोई वो तो है नहीं कि प्लेन की तरह बड़ी बड़ी कारें टेक ऑफ करेंगी, लेकिन बिजनेस लॉबिंग नीरा राडिया टेप्स ये दर्शाती हैं कि रतन टाटा जो और नीरा राडिया के बीच में जो कॉन्वर्सेशन थी, उस समय भी कांग्रेस के साथ में गिव एंड टेक चल रहा था। नीरा राडिया को पैसे दिए जाते थे कि आप जो है फॉरेन, आप जो है सरकार की कारगुजारी को, पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करो, हम आपको पैसा देंगे।
और नीरा राडिया रतन टाटा की बिजनेस फॉर्म्स की और काफी बिजनेस फॉर्म्स की दूत बनके एजेंट बनके पॉलिटिशियन से बात करने जाती थी। तो ये क्या है, बिजनेस लॉबिंग, जो कि इंडिया जैसी कंट्री में अभी टाइम नहीं आया इसको अलाउ करने का। पीपल विद HIV प्लान टू मीट प्राइम मिनिस्टर, एक ऐसे टाइम पे जब प्राइम मिनिस्टर अपनी सेफ्टी का ख्याल रख रहे हैं, डॉक्टर्स उनके अराउंड उनको ये कह रहे हैं कि कोरोना वायरस के चलते आप थोड़ा छुप जाओ, राइट। अब पीपल विद HIV प्लान, जो कि एक कॉम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, इवन दो दे वॉन्ट टू मीट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दे वॉन्ट टू मीट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कोटिंग द एनुअल रिपोर्ट डेटा ऑन नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, मिस्टर दुबे सेड दैट देयर आर अप्रोक्सीमेटली 68,000 एड्स रिलेटेड डेथ्स पर ईयर इन इंडिया एंड एम्फेसाइज्ड ऑन द नेसेसिटी टू पे इमीडिएट अटेंशन टू द प्रॉब्लम, राइट। रानी अ ट्रांसजेंडर सेड, If my community comes to know that I am HIV positive, they will not support me. Survival will be difficult. Thus, we need to be included in the Ayushman Bharat. Mudda kya hai? Aayiye dekhte hain. People living with HIV and AIDS from Global Alliance for Human Rights. This is a not-for-profit organization. Said that they were planning to meet Prime Minister to seek his help in protecting the rights of people living with HIV and AIDS. Improve their access to quality treatment, care and support services and demand their inclusion in the Ayushman Bharat Yojana. अब इनको Ayushman Bharat Yojana में include नहीं किया गया। Miserable condition में ये लोग जीते हैं, many are dying due to unaffordable treatment, especially during the shortage of drugs. Often doctors refuse to treat patients and do not conduct surgeries due to the stigma associated with HIV/AIDS. According to an annual survey, 68,000 AIDS-related deaths per year in India are occurring and they emphasized on the necessity to pay immediate attention to the problem. तो ये मुद्दा है कि इनको इसमें include किया जाना चाहिए HIV/AIDS patients को। आप आज comment section में answer करोगे National AIDS Control Program के बारे में। High prevalence states कौन सी हैं? आप देखोगे महाराष्ट्र, फिर उसके बाद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गोवा, गोवा छोड़ दीजिएगा, गोवा में नहीं है, तमिलनाडु, राइट। ये हाई प्रेवलेंस ऑफ HIV। और अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में देखें तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में यहाँ पे नागालैंड और मणिपुर में ऐसा क्या है कि यहाँ पे एड्स के इंस्टेंसेस ज़्यादा हैं? हाई रेट ऑफ सेक्शुअल ट्रांसमिशन ऑफ HIV सदर्न स्टेट्स में ज़्यादा है, ऐसा क्यों? आंसर दी, फाइंड आउट दी रीजंस एंड आंसर इन दी कमेंट सेक्शन। I would really appreciate if all of you answer in the comment section. Nagaland, Manipur, right? High rate of HIV transmission through injection drug use. Intravenous drug use यहाँ पे ज़्यादा होता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे इंडिया जो है गोल्डन क्रेसेंट, यहाँ पे ड्रग्स प्रोड्यूस होती हैं और इंडिया के रास्ते पंजाब और हरियाणा में भी आप देख रहे हो कि ड्रग ज़्यादा जो है ड्रग्स ट्रैफिकिंग की वजह से यूथ जो है बर्बाद होते चले जा रहे हैं, राइट। और उसके बाद यहाँ से ये मणिपुर और नागालैंड के रास्ते मिजोरम में इसे इंपोर्ट किया जाता है, सॉरी म्यांमार में इसे इंपोर्ट किया जाता है, म्यांमार के रास्ते लाओस, लाओस के फिर थाईलैंड में बैंकॉक एट्सेट्रा, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में रेव पार्टीज़, और फिर ऑस्ट्रेलिया से आगे USA में भी इन्हीं ड्रग्स को सप्लाई किया जाता है जो ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में कल्टिवेट की जा रही हैं। और क्रिटिक्स का ये कहना है, एनालिस्ट का ये कहना है कि अब तालिबान रूल आने की वजह से पॉपी हस्क कल्टीवेशन और बढ़ जाएगा अफगानिस्तान में। अब पंजाब के बाद हरियाणा, 2014 में हमारे ग्रेट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने पहले मन की बात के प्रोग्राम में किसकी बात करी थी, ड्रग ट्रैफिकिंग प्रॉब्लम इन पंजाब की बात करी थी। उसके बाद वहाँ पे उड़ता पंजाब मूवी बनाई गई, फिर प्राइम मिनिस्टर की याददाश्त से वो मुद्दा शायद उड़ी गया, वो मुद्दे पर दोबारा बात ही नहीं करी गई। बात होनी चाहिए थी अगर उस टाइम पुख्ता काम किए गए होते, उस टाइम शिरोमणि अकाली दल और BJP की सरकार थी वहाँ पे, उस टाइम ड्रग ट्रैफिकिंग प्रॉब्लम को लेके जबकि नामी गिनामी मिनिस्टर्स को, पंजाब के मिनिस्टर्स को भी समन किया गया था, बिक्रमजीत सिंह मजीठिया जो कि कंट्रोवर्शियल पॉलिटिशियन है पंजाब के, BJP के फिनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, लेकिन ये कहा गया था कि उनके खिलाफ शिरोमणि अकाली दल के लीडर हैं, माफ़ कीजिएगा, जो कि एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, उनके खिलाफ ये आरोप थे कि वो ड्रग पेडलिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने प्राइम मिनिस्टर के मन की बात सीरियल के बाद, उस एपिसोड के बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने बिक्रमजीत सिंह मजीठिया को समन भी भेजे थे, लेकिन उसके बाद कोई ऐसा बात दोबारा से इस मैटर को नहीं छेड़ा गया, ऐसा क्यों?
आगे चलते हैं. आयुष्मान भारत में एलिजिबिलिटी, फैमिलीज ऑफ रैग पिकर्स, कचरा उठाने वाले लोग, डोमेस्टिक वर्कर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, कॉबलर्स, हॉकर्स एंड अदर सर्विस प्रोवाइडर्स वर्किंग ऑन स्ट्रीट्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, दे आर ऑल कवर्ड. फैमिलीज एक्सक्लूडेड फ्रॉम आयुष्मान भारत, आज इस पे भी नजर डाल लेते हैं. Those paying income tax have 2, 3 or 4 wheelers, fishing boat, merchandised agriculture, equipment, किसान क्रेडिट कार्ड भी जिनके पास है उनको आयुष्मान भारत में इंक्लूड नहीं किया जाता. राइट, हाउस होल्ड मेंबर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, SC ST हाउस होल्ड को इंक्लूड किया जाता है. राइट, पेइंग एनीबडी हु इज पेइंग प्रोफेशनल टैक्स इज नॉट इंक्लूडेड. ओनर्स ऑफ रेफ्रिजरेट, जिनके पर घर में फ्रिज है उनको आयुष्मान भारत हेल्थ स्कीम में इंक्लूड नहीं किया जाता. क्या आज फ्रिज लेना इतनी बड़ी बात है? ऑनर्स ऑफ अ लैंडलाइन कनेक्शन, मतलब आप लैंडलाइन कनेक्शन कटवा दो आयुष्मान भारत का कनेक्शन जुड़ जाएगा. हैव 3 or more रूम्स विद पक्का वॉल्स एंड रूफ, तो ये लोगों को कवर नहीं किया जाएगा. राइट, तो थोड़ी थोड़ी एम्बिग्विटीज़ हैं. अब HIV AIDS पेशेंट विक्टिम्स ये कह रहे हैं कि उनको इंक्लूड किया जाए. इंडियन स्टैटिस्टिक्स, ये नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में देर आर सम डिटेल्स, यू हैव टू रीड देम योरसेल्फ्स. क्लियर. स्केल अप ऑफ ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी एट पब्लिक हेल्थ सेटिंग्स टू कंट्रोल HIV अमंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज एंड पीपल हु आर यूजिंग दिस इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज एट्सेट्रा. तो ये सारी चीज़ें स्टेप्स लेने की गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट्स को और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को ज़रूरत है. नाउ कमिंग हियर, ये सारा कुछ आप खुद पढ़ोगे, PDF यू कैन डाउनलोड फ्रॉम www.jatinvarma.org. क्लियर. सो दिस इज देयर. नाउ कमिंग हियर, अनडिटेक्टेबल HIV इज व्हेन द अमाउंट ऑफ HIV इन द बॉडी इज सो लो दैट अ ब्लड टेस्ट कैन नॉट डिटेक्ट इट. ट्रीटमेंट कैन मेक दिस पॉसिबल बट रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ द सेम थ्रू ब्लड टेस्ट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये होता क्या है ये खुद पढ़ोगे, क्विकली आते हैं अब इस पे. इफ एनीवन वांट्स टू टेक अ स्क्रीनशॉट दे कैन. कमिंग हियर, सुप्रीम कोर्ट स्टेट्स ऑर्डर ऑन केरला पोल. हाई कोर्ट वांटेड स्टेट इलेक्शन पैनल टू यूज लिस्ट दैट वाज प्रिपेयर्ड इन 2019. व्हाट्स द इशू, लेट अस सी इन अनदर 2 मिनट्स. सुप्रीम कोर्ट स्टेड अ केरला हाई कोर्ट ऑर्डर डायरेक्टिंग द स्टेट इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट द लोकल बॉडी इलेक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्टोरल रोल्स इट हैड प्रिपेयर्ड फॉर द लोकसभा इलेक्शंस ऑफ 2019. द ऑर्डर केम ऑन अ प्ली बाय द लीडर्स ऑफ कांग्रेस लेड UDF इंक्लूडिंग सुपी नरिकतेरी ऑफ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग. द हाई कोर्ट हैड ऑल्सो डायरेक्टेड द स्टेट इलेक्शन कमीशन टू अपडेट द लिस्ट incorporating the names of qualified voters up to February 7, 2020 for the municipal body polls expected to be held in November. तो ये छोटी सी एक controversy है. Complaints of State Election Commission denying an opportunity to the voters to enroll their names may not hold water since enrollment opportunity would be provided after completing the delimitation of wards. Now you have to answer delimitation of wards. कौन करता है डिलिमिटेशन ऑफ वार्ड्स? गवर्नर करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं या स्टेट का इलेक्शन कमीशन करता है? कौन करता है ये आप बताओगे. सो दिस इज देयर सिंस द रोल्स, इलेक्टोरल रोल्स प्रिपेयर्ड बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन इन 2015 हैव वार्ड स्पेसिफिक डिटेल्स यूजिंग दैट 2015 एक्सरसाइज डेटा वुड बी रोल्स वुड बी वुड एक्सपेडाइट द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग द इलेक्शंस. स्टेट इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है द प्रपोजल टू कंडक्ट द इलेक्शंस ऑन अ मॉडेस्ट बजट हैज कम इन फॉर मच प्रेज एज द स्टेट इज फेसिंग अ सीरियस रिसोर्स क्रंच. राइट, गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू लिमिट द एक्सपेंसेस टू बेयर मिनिमम एंड स्केल डाउन द डिलिमिटेशन प्रोसेस. तो ये इसी के चलते ये कहा जा रहा है कि नया 2019 का डेटा नहीं कलेक्ट किया जाएगा. स्टेट इलेक्शन कमीशन्स प्रपोजल टू अवॉइड एन एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑफ ₹10 crore by using the 2015 purana electoral roll is seen as a sensible move to save the expenditure and time. While the state government has reiterated that it is amenable to any decision of state election commission, United Democratic Front's bid to draw the election process into litigation has come in for criticism. Now coming here, India joins Indian Ocean Commission as observer. This move will help strengthen the security ties.
इंडियन ओशन कमीशन का ऑब्जर्वर इंडिया को इंडिया ने ज्वाइन किया है। तो इंडिया थोड़ा अजीब लगता है ना, इंडिया ज्वाइंस इंडिया ओशन कमीशन इंडियन ओशन कमीशन एज ऑब्जर्वर। हमारे ही नाम से ओशन है, अगर हम चाइना होते तो साउथ चाइना सी पूरा हमारा होता। अगर हम इंडिया हैं तो हम आज भी एक सॉफ्ट पावर है हमारी कंट्री, तो हम आज भी इस बात में प्राइड लेते हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक रूल बाउंड वे से इंडियन ओशन कमीशन के ऑब्जर्वर बनेंगे और फिर उसके बाद एक इसमें एक प्लेस ऑफ एमिनेंस हमारा जो डिजर्विंग है हमारी कंट्री के स्टेचर के अकॉर्डिंग वो पाएंगे। इंडिया हैज़ बीन अप्रूव्ड एज एन ऑब्जर्वर स्टेट फॉर द फाइव नेशन ग्रुपिंग इन द वेस्टर्न इंडियन ओशन इंक्लूडिंग मैडागास्कर, कोमोरोस, सेशल्स, मॉरिशियस एंड फ्रेंच रियूनियन। Members of the Indian Ocean Commission decided on the India's application at a meeting last week. With this decision to admit India as an observer, India will join China, which was made an observer in 2016, as well as the International Organization of Francophonie. International Organization of Francophonie or the 54 nation French-speaking collective, the European Union and Malta, which were all admitted in the year 2017. The decision to join the IOC marks a part of government's push for greater salience in the whole Indian Ocean region, including what is called as Western or African Indian Ocean. In December 2019, Ministry of External Affairs decided to include Madagascar, Comoros and Reunion as a part of Indian Ocean region desk, along with Sri Lanka, Maldives, Mauritius and Seychelles. सो ये सारा आपको थोड़ा सा पढ़ना है, इसमें कुछ कुछ चीज़ें चाइनाज इनिशिएटिव्स एंड ऑल सिग्निफिकेंट फॉर इट्स जियोग्राफिकल लोकेशन। आईओसी इज आल्सो सिग्निफिकेंट फॉर इट्स जियोग्राफिकल लोकेशन एज द आइलैंड सिट अराउंड अ की चोक पॉइंट इन द इंडियन ओशन, दैट इज द मोजाम्बिक चैनल। दिस चैनल इज बिंग वॉच्ड मोर क्लोजली एज द यूएस ईरान टेंशंस थ्रेटन द स्टेट ऑफ होर्मुज। गिवन चाइनाज ग्रोइंग प्रेजेंस इन द रीजन, India hopes to increase its naval presence and gain the support of its maritime projects. तो इस मुद्दे में इंडिया का एडमिट होना अपने आप में एक अच्छी चीज है। Indian Ocean Commission is an intergovernmental organization that was created in 1982 at Port Louis. ये Indian Ocean Commission के बारे में background, at Port Louis इसको admit किया गया था। Mauritius and institutionalized in 1984 by the Victoria Agreement in Seychelles. The COI is composed of five African Indian Ocean nations, Comoros, Madagascar, Mauritius and Reunion, an overseas region of France, and fifth one, the Seychelles Island. Yeah. So notwithstanding their different characteristics, Reunion as a French overseas region, Mauritius and Seychelles as middle income countries, whereas Comoros and Madagascar are amongst the least developing countries. The five islands share geographic proximity, historical and demographic relationships, natural resources and common development issues. COI's principal mission is to strengthen the ties of friendship between the countries and to be a platform of solidarity for the entire population of African Indian Ocean region. Is this clear guys to everyone? Now अब आगे चलते हैं बाकी की न्यूज़ में। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके, थोड़ा सा ये खुद पढ़ेंगे। PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं मेरी वेबसाइट से www.jatinvarma.org। So this is it. Now Pakistan against any security role for India and Afghanistan. ये एक नॉन न्यूज़ है, ये पाकिस्तान कब कहेगा कि कोई सिक्योरिटी रोल इंडिया को दिया जाए, राइट। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सेज दिल्ली प्लेज द रोल ऑफ अ स्पॉयलर। जैसे ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पाकिस्तान वाले मिलके। इंडिया, अगर हम देखें इंडिया के क्रेडेंशियल्स कि अफगानिस्तान में हमें क्यों स्टेक होल्डिंग मिलनी चाहिए पीस प्रोसेस में। इंडिया हैज़ बीन अ की स्टेक होल्डर इन अफगानिस्तान एज इट हैज़ ऑलरेडी स्पेंट अराउंड $2 billion इन रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द वॉर रैवेज्ड कंट्री। अफगानिस्तान का पार्लियामेंट, अफगानिस्तान में हॉस्पिटल्स, काफ़ी इन्वेस्टमेंट हमने किया है। तो इस हैसियत से ही सही हमें हमारी आवाज़ को, इंडिया की आवाज़ को टेबल पे रखा जाना चाहिए। नाउ ये हम पहले कवर कर चुके हैं। अफगानिस्तान इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया। अफगानिस्तान सर्व्स इंडिया सिक्योरिटी एंड इन इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स
and Afghanistan is the gateway for India to send its goods or sell its goods to Central Asia. Afghanistan is tied to India's vision of being a regional leader and a great power, coupled with its competition with China over resources and its need to counter Pakistani influence. ये बाकी तापी पाइपलाइन और ये सब चीज़ें भी हैं. India's growing arms footprint in Afghanistan. हम अपने श्रीलंका के कड़वे लेसन्स को ध्यान में रखते हुए कि हमारे एक होनहार प्रधानमंत्री राजीव गांधी को हमें खोना पड़ा था क्योंकि श्रीलंका में हमने आर्मी तैनात करने के लिए 1,000 strong Indian soldiers were deployed in the war against LTTE in श्रीलंका. इसीलिए हम और उसके बाद कांधार प्लेन हाईजैक और जसवंत सिंह का वो जो इशू था वो भी हमें पूरी तरह से याद है. इसीलिए हम अफगानिस्तान में ये नहीं चाहते कि कोई आतंकवादी संगठन वहाँ पे एक्टिव हो, तालिबान दोबारा से वहाँ पे सत्ता में आए एक वे से. आर्म्स जनरेट रेवेन्यूज बट कैन ऑल्सो ट्रांसफॉर्म द बैलेंस ऑफ पावर एंड एज इंडिया हैज़ डिस्कवर्ड टू इट्स कॉस्ट इट प्रोवाइड्स लीवरेज ड्यूरिंग द क्राइसिस एंड वॉर्स. इंडिया हैड गिफ्टेड 4 MI-25 अटैक हेलीकॉप्टर्स टू अफगानिस्तान. Pakistan has raised concerns about India's security assistance to Afghanistan. Now, ये जो pipeline हमने बनाई है, sorry, माफ कीजिएगा, ये जो हमने चबार पोर्ट में construction का काम किया है, ये India के लिए काफ़ी advantageous हो सकता था या अभी भी हो सकता है अगर तालिबान को दोबारा से power में ना आने दिया जाए. लेकिन USA जो है अभी USA की वो हालत हो रखी है कि पूंछ पे आग लगी है और कैसे भी भागना है वापस, क्योंकि इतना खर्चा हो रहा है, right? और पाकिस्तान इसमें एडवांटेज ढूंढ रहा है कि फिर दोबारा से सिचुएशन वुड बी बैक टू नॉर्मल. ISI तालिबान को यूज़ करके कांधार प्लेन हाईजैक करवा रही थी, ये सब चीज़ें करी गई थी, तो हमारी कंट्री के लिए सिचुएशन फिर दोबारा से जो है हाथ से बाहर जा सकती है, तो ये इंडिया के लिए एक दिक्कत है. नाउ कमिंग टू दी अदर न्यूज़ आर्टिकल्स, इकोनॉमी फटाफट से डील करेंगे 5 मिनट्स में. एज अ पार्ट ऑफ RBI बेल आउट, SBI टू पिक अप 49% इन येस बैंक. पहले मैंने कहा बिगनिंग में कि RBI क्या सो रहा था, यस बैंक जब रो रहा था RBI क्या सो रहा था. पॉइंट ये है, जून में मेरे एक दोस्त ने मुझे फ़ोन करके बताया कि यस बैंक में अकाउंट नहीं खुलवाया जाए, क्योंकि यस बैंक ने जून के पावन महीने में, मई के अप्रैल के पावन महीने में 1500 करोड़ का लॉस पोस्ट किया था. तो उस टाइम जब मेरे जैसे कॉमन सिटीजन को मेरा दोस्त बता देता है कि आप येस बैंक में अकाउंट मत खुलवाओ क्योंकि 1500 करोड़ का नुकसान है, ऐसे टाइम पे RBI को बताने वाला कोई दोस्त नहीं था क्या? उर्जित पटेल थे शायद, उर्जित पटेल चले गए, शशिकांता दास आए, वो थोड़ा ग्रिप में मैटर लेने में थोड़ी दिक्कत हो गई, राइट? तो हिंदू की जो टोन क्रिटिकल रहती है वो UPSC एस्पिरेंट के लिए बाइबल है. कैसे? UPSC ये पूछती है कि क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ RBI इन द लाइट ऑफ recurring scams and failures of the banks in India. Yes bank ho raha hai, right? Yes bank no bank ho gaya aur RBI dekhta reh gaya. As a part of, ab SBI ko scapegoat banaya ja raha hai, SBI ko bola ja raha hai ki ye jo kabad hai isko aap khareed lo abhi ke liye taki janta ke jo paise hain wo doob na jaye. Kabhi kabhi main sochta hu ki main bank mein apne paise rakhu, bank mein hi rakhe hain, फिर सोचता हूँ कि कैश विड्रॉ कर लूँ, फिर ये डर लगता है मोदी जी का किसी दिन 8 तारीख रात्रि 8 बजे दोबारा से हो गया 2000 के नोट बैन, तो क्या होगा? असमंजस की स्थिति है, राइट? यस बैंक जैसा बैंक जिसका नाम ही यस बैंक है, बाकी बैंकों का तो क्या ही कहें, NPS बढ़ते रहते हैं. बींग अ न्यूज़ एनालिस्ट डर लगता है मुझे भी, क्योंकि मेरी तो अखबार की कमाई है, राइट? कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई डायमंड बेचे हैं मैंने या कुछ, ऑन अ लाइटर नोट. सो अब थोड़ा सा रैशनल एनालिसिस. तो द सेंट्रल बैंक सेड ऑल द डिपॉजिट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द बैंक विल कॉन्टिन्यू इन द सेम मैनर इन द रीस्ट्रक्चर्ड बैंक अनअफेक्टेड बाय द स्कीम. ऑल द डिपॉजिट्स, अभी येस बैंक को RBI ने मॉरेटोरियम के अंडर प्लेस किया है कि 50,000 रुपये से ज़्यादा पैसे आप नहीं निकलवा सकते. यू कैनॉट विदड्रॉ मोर देन 50,000 रुपीज आउट ऑफ येस बैंक. SBI को अब ये बोला गया है कि SBI येस बैंक को बेल आउट करेगा और दुरुस्त करेगा जब तक कि यस बैंक सही नहीं हो जाता, राइट? टू पिकअप अ 49% स्टेक SBI विल हैव टू इन्वेस्ट 2,450 करोड़ रुपीज. द SBI कैनॉट रिड्यूस इट्स होल्डिंग बिलो 26% बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल. द डील वुड बी एट अ प्राइस नॉट लेस देन रुपीज 10 पर शेयर
विद द फेस वैल्यू ऑफ रुपीज टू. फेस वैल्यू जो शेयर की फेस वैल्यू है वो 2 रुपए है, लेकिन SBI को पे करने पड़ेंगे 10 रुपए फॉर एवरी शेयर. अकॉर्डिंग टू द ड्राफ्ट प्लान द ऑथोराइज कैपिटल फॉर द रिकंस्ट्रक्टेड बैंक विल बी ₹5,000 करोड़ विद 2,400 करोड़ इक्विटी शेयर ऑफ ₹2 ईच अग्रीगेटिंग टू ₹4,800 करोड़. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस द ड्राफ्ट रिकंस्ट्रक्शन स्कीम फॉर द बिलिगर्ड येस बैंक aimed at protecting depositors' funds while bringing in the State Bank of India as an investor. So background, government had put a moratorium on Yes Bank till April 3. 30 din ka moratorium hai jab tak SBI ko ye sara restructuring karna hoga. However, additional Tier 1 capital which was issued by Yes Bank under Basel 3 framework shall stand written down permanently. Ye fayda hota hai Basel 3 norms ko apply karne ka ki jab koi bank fail hota hai तो बैंक के अपने पैसे डूबते हैं, ना कि उन डिपॉजिटर्स के जिन्होंने यस बैंक में पैसा रखा है. अब अगर किसी डिपॉजिटर के पैसे बैंक में हैं और बैंक का अपना कैपिटल जो बेसिल 3 के अकॉर्डिंग बैंक को रखना है, अब उसको नलीफाई कर दिया गया है ताकि जो लॉस है वो डिपॉजिटर के पैसे से ना हो, बल्कि जो कैपिटल जिन लोगों ने शेयर खरीदे थे यस बैंक के, उनको नो बोला जाएगा, डिपॉजिटर्स को नहीं. एम आई क्लियर? तो न्यू बोर्ड विल हैव एटलीस्ट 6 मेंबर्स, an MD and a CEO. ये न्यूज़ है यस बैंक से रिलेटेड. ऑल द डिपॉजिट विद लाइबिलिटीज ऑफ रीस्ट्रक्चर्ड बैंक रिकंस्ट्रक्टेड बैंक एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन द स्कीम एंड द राइट्स एंड लाइबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ इट्स क्रेडिटर्स विल कंटिन्यू इन द सेम मैनर एंड विद द सेम टर्म्स एंड कंडीशंस कंप्लीटली अनअफेक्टेड बाय द स्कीम. 30 डेज इज आउटर लिमिट फॉर यस बैंक. अब शशि कांता दास अब बोल रहे हैं जबकि बैंड बज चुकी है, राइट? RBI के गवर्नर का टेन्योर ज़्यादा होना चाहिए और ब्यूरोक्रैट्स, क्या ब्यूरोक्रैट्स, रिटायर्ड ब्यूरोक्रैट्स को इमीजिएटली आफ्टर देयर रिटायरमेंट RBI का चीफ लगाना चाहिए? ये क्वेश्चन बार बार उठता जाता है जब दो लोगों का ब्रेन ड्रेन हो चुका है. मतलब जब हमारी कंट्री से कोई विशेषज्ञ दिमागी व्यक्ति USA में जाता है तो उसे क्या बोला जाता है? ब्रेन ड्रेन. उर्जित पटेल और रघुराम राजन दो अच्छे ब्रेन थे जिन्होंने फाइनेंशियल क्राइसिस पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था. अब वो जब इंडिया छोड़ के चले गए तो इसे ब्रेन ड्रेन, फाइनेंशियल ब्रेन ड्रेन कहा जाएगा, राइट? स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम. अब RBI गवर्नर क्या कह रहे हैं? देर इज ऑलवेज डिबेट ओवर RBI एक्टिंग प्री मेच्योरली और टेकिंग टू लॉन्ग टू एक्ट. अब यहाँ पे टू लॉन्ग टू एक्ट हो गया. अ मार्केट लेड एंड बैंक लेड रेजोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज ऑलवेज प्रेफरेबल. यू हैव टू गिव टाइम टू द बैंक मैनेजमेंट टू टेक स्टेप्स एंड एफर्ट्स एंड द बैंक डिड टेक एफर्ट्स. पहले RBI उर्जित पटेल के अंडर बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा था. प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लाया गया और बैंक्स को बोला गया कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में अपने एक दिन के डिफॉल्ट वाले लोन्स को भी डाल दो. लेकिन फिर बाद में शशि कांता दास ने आने के बाद प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन को हटा दिया. शायद ये एक बड़ा कारण है कि यस बैंक जो काफ़ी टाइम से नो कर रहा था, जो काफ़ी टाइम से जिसकी सिचुएशन जो है वॉलेटाइल होती चली जा रही थी, फ्रेजाइल होती चली जा रही थी, उसको जो है रेजोल्यूशन प्रोसेस में नहीं डाला गया. क्लियर? तो डिसीजन ऑन द येस बैंक वॉज टेकन एट अ लार्जर लेवल नॉट ओनली टू डील विद द प्रॉब्लम इन एन इंडिविजुअल एंटिटी बट ऑल्सो टू मेंटेन स्टेबिलिटी एंड रिजिलियंस ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सेक्टर. ऑन द टाइमिंग ऑफ एक्शन ऑन येस बैंक RBI गवर्नर सेड दैट देयर इज ऑलवेज अ डिबेट ओवर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ईदर एक्टिंग प्रीमेच्योरली और टेकिंग टू लॉन्ग टू एक्ट. यानी कि ये कह के उन्होंने इस क्वेश्चन को उड़ा दिया, राइट? तो दिस इज देयर नाउ. This was all for today's news analysis, guys. Crisis at Yes Bank started last year when RBI demanded the bank's founder Rana Kapoor to step down as CEO. उस time पे Rana Kapoor को जब बोला गया था तभी शायद Malaise को set करना चाहिए था, शायद हम ये कह सकते हैं. It was following a spat over the breaches of confidentiality. Dispute हुआ था, confidentiality को breach किया था, regulatory guidelines जो RBI की हैं उन्हें नज़रअंदाज किया था Rana Kapoor ने. Guidelines revealed in their inspection. Since then, the bank witnessed an 81% decline in its market stock price. Till now, nearly 40 brokerage firms have given negative ratings to Yes Bank stocks. What is the problem? Yes Bank has the highest stress among banks, both private and public, with estimated stress of 54.5% of reported net worth. यानी कि जो बैंक की टोटल औकात है उसका 55% उसमें स्ट्रेस पाई जा रही है. सो गाइज, दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज डेली न्यूज एनालिसिस. आई होप यू गाइज वर एबल टू गेन फ्रॉम इट. थैंक यू. वी विल मीट अगेन ऑन मंडे.
मंडे को दोबारा से वी विल मीट. अंटिल देन यू कैन रिवाइज द बैकलॉग ऑफ डीएनए. जो लोग पहली बार सुन रहे हैं, फर्स्ट ऑफ सेकेंड ऑफ मार्च से, यानी कि मंडे से सैटरडे तक डीएनए किया जाता है एवरी मॉर्निंग एट अराउंड 8:30 to 9 AM. 8:30 and 9 AM इन दोनों टाइम्स के बीच में ये डीएनए किया जाता है. आप लोग इसका पूरा बेनिफिट ले सकते हैं. इफ़ देर आर एनी डाउट्स और क्वेरीज यू कैन रीच आउट टू मी थ्रू माई ईमेल आईडी studiousjatin@gmail.com. सो दिस वॉज ऑल. Thank you guys.